हेलो दोस्तों, आपको बता दें केसरिया वंदे भारत यहाँ दोस्तों नया ट्रेन है दोस्तों। आपको बता दें कि 25 बदलाव के साथ आया दोस्तों। केसरिया ही नहीं, अभी जो 25 वंदे भारत चल रही है देश में, उसके अलावा 9 वंदे भारत ट्रेन नरेंद्र मोदी ने एक साथ जो लॉन्च किया दोस्तों, उसमें भी ये सारी 25 फैसिलिटी बढ़ाया गया दोस्तों। एक एक करके बताऊंगा मैं, आप लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपको बताने जा रहा हूँ जो केसरिया और ग्रे कलर का जो वंदे भारत आया दोस्तों, वो राष्ट्रीय ध्वज से लिया गया, एक बात तो ये है। दूसरी बात की एग्जीक्यूटिव चेयर कार की जो सीट पहले लाल रंग का था दोस्तों, उसको नीला कर दिया गया दोस्तों। अभी जितने भी 9 वंदे भारत ट्रेन आई है, यानी टोटल 34 वंदे भारत ट्रेन भारत में चल रहा है दोस्तों, तो जो एग्जीक्यूटिव क्लास में जो सीट लाल रंग का था उसको बदल कर, यानी यात्रियों की मांग पर उसको ब्लू कर दिया गया दोस्तों। आपको बता दें सीटों का डिक्लाइन एंगल जो है 17.31 डिग्री पहले था, उसको बढ़ाकर 19.37 डिग्री कर दिया गया दोस्तों। यानी कि आराम से पीछे करके आप सो सकते हैं उसके ऊपर, और काफ़ी आराम के साथ सो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सीटों को और गद्देदार बनाया गया दोस्तों, और सॉफ्ट बनाया गया। पहले थोड़ा हार्ड था दोस्तों, अभी उसको और सॉफ्ट बनाया गया दोस्तों। कोच के बाथरूम में जो वॉश बेसिन है दोस्तों, उसकी गहराई को बढ़ा दिया गया। पहले गहरा कम था, पानी बाहर आ जाता था दोस्तों। सीट के साथ लगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट पहले था, उसको क्या किया, सीट के नीचे लगा दिया दोस्तों, इसे इस्तेमाल करना आसान हो गया। दूसरा, एग्जीक्यूटिव चेयर का में फुट रेस्ट था, उसको बढ़ा दिया गया ताकि आखिरी सीट तक जो बैठने का पैर फैलाकर आराम से बैठ सके दोस्तों। दिव्यांगजनों के लिए जो कोच के अंदर व्हील चेयर फिक्सिंग पॉइंट बनाया गया दोस्तों, तो ये भी नया चेंज हुआ है। टॉयलेट में ज़्यादा रोशनी के लिए जो लाइट पहले 1.5 वाट का था दोस्तों, उसको बदल कर 2.5 वाट कर दिया गया ताकि अधिक रोशनी हो और चीज़ें साफ दिखाई दे दोस्तों। रोलर जो ब्लाइंड फैब्रिक की जो पारदर्शिता है कम की जाएगी, और वाटर टेप जो पहले जो इस्तेमाल करने में थोड़ा सा दिक्कत होता था, उसको थोड़ा आसान बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास में जो सीट के पास मैगजीन बैग मिलेगा दोस्तों, और टॉयलेट का जो हैंडल है उसको भी बदला गया दोस्तों। आपको बता दें टॉयलेट का हैंडल को भी बदल गया गया दोस्तों। इमरजेंसी में प्रयोग किए जाने वाले जो हथौड़े थे, उसको कवर को बदला गया ताकि पकड़ने में आसानी हो। इमरजेंसी जो टॉक बैक यूनिट हो, जो ड्राइवर साहब से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसको भी आसान बना दिया गया दोस्तों। एयर कंडीशनिंग की जो सुविधा थी, एयर टाइट जो डोर है उसको बनाया गया ताकि आपको जो एसी का जो हवा आप खा सकें, काफ़ी आसानी से खा सकें। और इमरजेंसी स्टॉप बटन जो पहले दिया गया था, उसका जगह बदला गया। खिड़कियों में जो पर्दे दिए गए थे उसको बदल दिए गए। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस लगा दिया गया, और रीडिंग लैंप जो टच, जो रेजिस्टिव टच था दोस्तों, उसको कैपेसिटिव टच कर दिया गया। यानी काफ़ी आसान बना दिया गया जो नई वंदे भारत ट्रेन आई है। केसरिया जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें तो चेंज किया गया 25 चेंज, और जो नई 9 वंदे भारत ट्रेन आई है उसमें भी 25 चेंज किया गया। देख रहे हैं कितना, मैंने जो वंदे भारत है हमारे यात्रियों के लिए कितना सोचती है दोस्तों, यानी हमारी सरकार काफ़ी सजग है दोस्तों, काफ़ी सेंसिटिव है, जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए इतना कुछ सोचती है। देख रहे हैं कितना बढ़िया लाइटनिंग का व्यवस्था है बाथरूम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बाथरूम में छका जग, यानी 1.5 वाट के जगह का 2.5 वाट का बल्ब लगाया गया दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी गई, यानी 25 चेंज एक साथ किया गया वंदे भारत में। आपको बता दें स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी मार्च 2024 में आ जाएगा, पटरियों पर दौड़ने लगेगा दोस्तों। उसमें भी ये जो 25 चेंज किया गया ये सारा चीज़ रहेगा। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें आने वाला दोस्तों, यानी एक 5-स्टार होटल का पूरा पैकेज वंदे भारत में आपको मिलने जा रहा है दोस्तों। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हम यात्रियों के लिए, क्योंकि बहुत ही सुविधा होने जा रहा है। आगे वंदे भारत का ट्रेन से सफ़र करिएगा दोस्तों, और लंबी दूरी के सफ़र कर सकते हैं, सोकर सफ़र कर सकते हैं दोस्तों। जिनको बैठकर सफ़र करने में तकलीफ होती थी, खास करके 8 से 9 घंटे लग जाते हैं दोस्तों जाने आने में, तो उन यात्रियों के लिए काफ़ी सहूलियत होने वाला है दोस्तों। वो आराम से सोकर सफ़र कर सकते हैं दोस्तों, वंदे भारत का मज़ा ले सकते हैं, और समय का भी बचत होगा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। जी हाँ दोस्तों, तो इतना प्रीमियम लेवल का ट्रेन विदेशों में मिला करता था, जो भारत में मिल रहा है दोस्तों, नरेंद्र मोदी को शुक्रिया करिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे।